हेलो गाइज, तो वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और कश्मीर वाले ब्लॉग के अलग से एक और सीरीज में हम आ चुके हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग अभी पहुंचे नहीं है, सोनमर्ग के रास्ते में है और हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिला है यहाँ पे, तो आपको सोचा आपको दिखा दें। सोनमर्ग यहाँ से बस 10 किलोमीटर दूर है और उससे पहले यहाँ पे सिंध नदी है, मे बी शायद सिंध नदी है, वहाँ का एक किनारा मिला है हमें और मैं आपको दिखाता हूँ कितना ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। तो मैंने सोचा जरूर आपको दिखाना तो बनता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये देखो, यहाँ से हम आगे बढ़ें अगर तो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। देखो ये नदी बह रही है और यहाँ से इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये देखो, जैसे सिंध रिवर, मेरे ख्याल से सिंध रिवर ही है। और इतना अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ पे, अगर हम चलें थोड़ा सा और आगे तो आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे फोटो शूट वगैरह भी चल रहा है। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है, ये पहाड़ है पूरा, ये सन दिख रहा है अपने को और ये ब्यूटीफुल सिंध रिवर। मैंने सोचा आपको दिखाना तो बनता है ये ब्यूटीफुल व्यू। और इधर जो पहाड़ हैं, अभी इधर बर्फ़ नहीं गिरी हुई है, लेकिन अगर मैं पीछे दिखाऊं आपको थोड़ा सा तो यहाँ पीछे पहाड़ों पर थोड़ी बर्फ़ दिख रही है। अब यहाँ कैमरा में पता नहीं कितना आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से हम लोग सोनमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग में ग्लेशियर है एक, वहाँ पे हमको विजिट करना है बस, बाकी तो सब कुछ सही है। तो ठीक है, चलते हैं अभी सोनमर्ग और फिर आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा और इन तब तक ये सिंध रिवर को एंजॉय करें। गाइज, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सोनमर्ग और आते ही पौनी कर लिया है जाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि जीरो पॉइंट शायद बंद है, बंद ना भैया जीरो पॉइंट, अभी जीरो पॉइंट बंद है अभी। तो तजवास ग्लेशियर जा रहे हैं हम लोग और देखो पौनी, इसमें नहीं दिखा रहा, सामने दिखाते हैं अभी तो आपको व्यू दिखाते हैं, व्यू इंजॉय करो और वहाँ पर ग्लेशियर पर पहुँच के भी दिखाएँगे। तो चलिए दिखाते हैं, देखो हम लोग वापस भी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, 3:30 बज चुके हैं तो हम लोग जा रहे हैं अभी, 40-45 मिनट लगेगा यहाँ से जाने में। और ये देखो आपके सामने ये पूरा बर्फ का चादर है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है ग्लेशियर पे मे बी, और इससे अच्छा बेटर व्यू मिले। तो गाइस आधे रास्ते हम लोग आ चुके हैं और हमारा पौनी अभी पानी पीने के लिए रुका है, मैं आपको दिखाता हूँ और नज़ारा भी बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ का। तो पौनी पानी पीने के लिए रुका था यहाँ पे, ये छोटे छोटे वाटर के सोर्स हैं। देखो ये नीचे और ये इधर का व्यू देखो, और यहाँ तापमान पूरा बदल चुका है, इस साइड उतना नहीं है बर्फ जिधर से हम लोग आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इधर आते हैं जिधर की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं बर्फ बढ़ते जा रहा है और ठंड भी, क्योंकि यहाँ एक्चुअली पहाड़ के पीछे है सूरज। और ये देखो पानी पी रहे हैं लोग, तो चलते हैं आगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो बस थोड़े दूर और पहुँचने वाले हैं और ये व्यू देखो आप, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल व्यू है और ठंडी अचानक से जहाँ पे रोड पे जितनी ठंडी थी उसकी डबल ठंडी हो चुकी है यहाँ, क्योंकि मेनली मतलब यहाँ पे सन नहीं है, सन पहाड़ों के पीछे छुप चुका है तो ठंडी बढ़ चुकी है। मैंने भी टोपी वगैरह लगा ली है और ये देखो यहाँ का व्यू तो है यार, अभी बहुत दिनों से बर्फबारी हुई नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी पूरा व्यू वर्थ कमिंग है। ये देखो
तो आओ आप कश्मीर, तो सोनमर्ग जरूर आओ। मेन बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाले सीजन में तो बंद हो जाता है, जैसे अभी 0 पॉइंट जो था यहाँ का वो बंद हो चुका है। तो ये प्लेस है जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये व्यू बहुत ही आँखों को सुकून देने वाला है। ठीक है, चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे पहले, फिर देखते हैं वहाँ क्या डिफरेंट है और आपको दिखाते हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस पॉइंट पे, जहाँ पे मेन इसका जो सोनमर्ग का मेन ग्लेशियर पॉइंट है, तजवास ग्लेशियर पॉइंट, वहाँ पे आ चुके हैं। और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे देख रहे हो, मैंने टोपी चश्मा सब लगा लिया है, ग्लव्स वगैरह सब लगा लिए हैं, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो पता नहीं मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं हो रहा। और मैं आपको एक बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखाने जा रहा हूँ। और ये देखो, मैं अभी कैमरा स्विच करूँगा और आपको दिखेगा एक शानदार सा व्यू। अब मेरे पैर फिसल रहे हैं क्योंकि नीचे जो है सूखी बर्फ है। तो देखो ये व्यू और इन्जॉय करो। तो ये देखो, यहाँ से व्यू स्टार्ट होता है और ये व्यू, ये देखो। अब मुझे ये पता नहीं है कि कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है इस व्यू को, लेकिन जब आप आंखों से देखोगे इस व्यू को तो आपको समझ में आएगा कि कितना प्यारा लोकेशन है। एक्चुअली इसको ग्लेशियर बोल रहे हैं, ग्लेशियर जैसा कुछ दिख नहीं रहा हमको, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर। और इधर का दिखाऊं मैं आपको, ये देखो इधर बर्फ़ नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही कम बर्फ़ है, मिनिमम अमाउंट ऑफ बर्फ। लेकिन जैसे ही आप इधर आते हो वैसे ही वाह, और सूरज इस पहाड़ के पीछे छिपा हुआ है, जैसे आपको याद रोशनी दिख रही होगी उसके पीछे है सूरज। और ये है अपना सोनमर्ग, क्यूट सोनमर्ग। और ये देखो, यहाँ नीचे दिखाऊं मैं आपको, ये पूरा फिसलन भरा है, नॉर्मल जूते में तो आप फिसल जाओगे, हमने जूता लिया भी नहीं है, डायरेक्ट घोड़ी बैठ के आ गए। और वैसे आपको आना है अगर, आप मैं सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा सा भी ट्रैक कर सकते हो तो पैदल आ जाओ, वैसे रास्ता एकदम सही है, इस मौसम में ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है जब, तो रास्ता एकदम रोड बना हुआ है, गाड़ियों के आने वाली जगह है। इन्होंने नीचे पे फालतू में हम लोगों को वैसा कर दिया है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हो आराम से, आपको मैक्स टू मैक्स 40-45 मिनट लगेंगे अगर आप धीरे धीरे भी आओगे तो, और अच्छे तरीके से जा सकते हो आप। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पैदल आओ, इनके झांसे में ना पड़ो। हम तो किसी कुछ लोगों के बहकावे में आके ले लिए, लेकिन आप ये गलती ना करना बिल्कुल। और ठीक है, मैं अभी और आगे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो आपको दिखाता हूँ सोनमर्ग का। अगर हम इधर चलें थोड़ा, तो इधर देखो, अगर उस साइड में एक मेन लोकेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के कुछ शायद खाने पीने की कुछ दुकानें हैं वहाँ पे, तो अब चलते हैं वहाँ पे चलेंगे। और ये देखो ये व्यू, यार आंखें बयां नहीं कर सकती कि कितना ब्यूटीफुल ये व्यू है पूरा। बिल्कुल आओ यार, कश्मीर आ रहे हो सोनमर्ग जरूर आओ। बहुत लोग क्या करते हैं, पहलगाम और गुलमर्ग चले जाते हैं और सोनमर्ग को मिस कर देते हैं, लेकिन सोनमर्ग मुझे लगा अभी गुलमर्ग तो हम गए नहीं है, गुलमर्ग और पहलगाम, कल तो पहलगाम जाना है हमको और गुलमर्ग उसके बाद जाना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि गुलमर्ग में जैसा मैंने फ़ोटो देखा था, मेरे दोस्त ने भेजी है अभी फ़ोटो, वो गया है वहाँ घूमने, तो उससे बेटर हमको व्यू लग रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं और फिर आपको कुछ और अच्छा नज़ारा होता है तो वो दिखाते हैं। तो गाइस थोड़ा सा नज़दीक और आ चुके हैं हम, और ये देखो यहाँ से और नज़दीक है, हिमालयन रेंज ही है, मे बी हिमालयन रेंज के आसपास ही है। और इसको ये बोल रहे हैं कि ये जो है, जो मेरे सामने दिख रहा है वो है तजवास या तजावस ग्लेशियर, तजवास ग्लेशियर, लेकिन मुझे ग्लेशियर जैसा कुछ लग नहीं रहा क्योंकि ग्लेशियर तो पूरा वाइट होता है। वैसे इनको बोल रहे हैं कि गर्मी में भी यहाँ की बर्फ़ पिघलती नहीं है, तो मुझे ठंडियों में भी कमी बर्फ़ दिख रही है, तो पता नहीं कितनी सच्चाई है। और यहाँ पे देखो आप, पूरी बर्फ़ की चादर, ऐसा लग रहा है कि दूध में मलाई और गुड़ डाला हुआ है, तो बीच में ब्लैक स्पॉट हो गया गुड़,
तो ठीक है, ये ब्यूटीफुल व्यू है। और इधर देखो, इधर जो है जैसा मैंने बताया था, बिल्कुल भी सुनो नहीं है उस साइड, बहुत कम ही सुनो है, मेन एरिया यही है। और ये जो कैप्चर आ रहा है यहाँ पे, जो सन का सनसेट हो रहा है, सनसेट यहाँ के लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है, तो उस साइड सन दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का, वो ब्यूटीफुल एकदम व्यू है। और ठीक है, फिर सोनमर्ग, अब यही एक पॉइंट था क्योंकि जीरो पॉइंट आपको दिखा नहीं सकते, तो सोनमर्ग का व्लॉग हमको यहीं पर एंड करना पड़ेगा, बिकॉज फिर और कोई पॉइंट बचा नहीं है यहाँ पे, जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे भारी बर्फबारी के चक्कर में बंद हो चुके हैं। तो यही एक पॉइंट था जहाँ पे हम लोग आना चाहते थे, तो आ गए। आप लोग भी ज़रूर आओ और लुफ्त लो प्रकृति के सुंदर से क्रिएशन का। और वहाँ पे एकदम दूर पे हमको एकदम प्लेन सा दिख रहा है, कुछ ग्लेशियर टाइप, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ग्लेशियर टाइप है, बाकी ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, सेम सेम चीज़ दिखा के आपको बोर नहीं करेंगे, वैसे ये बोर होने वाली चीज़ है भी नहीं, आप तो नहीं हो पाओगे। और इधर देखो आप, यहाँ पे हल्की बर्फ़ है लेकिन ज़्यादा बर्फ़ उधर है। तो ठीक है गाइज, सोनमर्ग के लिए इतना ही, और आपको फिर हम कल ले चलेंगे पहलगाम। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए। और कल पहलगाम से आपको लेके आएंगे, पहलगाम में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे। और मेनली अगर यहाँ पे आना है आपको तो आप श्रीनगर से टैक्सी बुक कर सकते हैं, या फिर बसेज वगैरह भी चलती हैं उससे भी आ सकते हैं, 70-80 किलोमीटर है। और मेन पॉइंट पे आके आप वहाँ से, मुझे जहाँ तक समझता हूँ, आप पैदल आएँ तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप 45 मिनट की हल्की सी ट्रैक कर सकते हैं, बहुत ईजी है वो, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बजाय पोनी के। और हम लोग एनिमल, अब हमारे पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था इसलिए, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा है, तो इसलिए हम लोग पोनी से आए, वरना आप तो बिल्कुल पोनी से नहीं आए, क्योंकि मुझे तो अब पता चल गया मैं कभी आऊँगा तो पोनी से तो आऊँगा ही नहीं, क्योंकि एनिमल के लिए भी ये लोग बहुत ही मतलब मार और के ले जाते हैं, तो फिर वो ज़्यादा सही नहीं रहता। तो ठीक है, फिर चलते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। अब कल परसों में एक और वीडियो आएगी जिसमें आप पहलगाम और गुलमर्ग के बारे में आपको बताएंगे और अच्छे से दिखाएंगे वहाँ की लोकेशंस, और अगर बर्फबारी, लाइव बर्फबारी मिल गई तो और अच्छा। तो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, और देखते रहिए स्ट्रीट ब्लॉगर।